हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महासचिव अंगद पांडे जी, डिप्टी सीएम साहब, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट सचिन पायलट जी, रमेश मीणा जी, भविष्य यादव जी, गिरिराज मलिंगा जी, आपके लोकप्रिय विधायक, पूर्व सांसद खिलाड़ी बैरवा जी, रोहित बोरा जी विधायक, पी आर मीणा साहब विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश जी, आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी, अब्दुल सगीर साहब, रविंद्र बोरा जी, शिवचंद्र कुशवा, अजय मीणा जी, ओम प्रकाश जी मामू, साकेत बिहारी शर्मा, आदरणीय जनार्दन सिंह गहलोत, संजय कुमार जाटव, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, अभी राहुल जी आपको संबोधित करेंगे। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार धौलपुर से लोकसभा का टिकट संजय जाटव जी को मिला है और राहुल गांधी जी ने हम सबकी सलाह से एक नौजवान को आपके यहाँ भेजा है। ये आपके आशीर्वाद से जीत के जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद में आपके बीच में आते जाते रहेंगे, बराबर आपके सुख दुख में हमेशा भागीदार बनेंगे और जो समस्याएं आपकी है धौलपुर की है, करौली की है, उसको दिल्ली की पंचायत लोकसभा में उठाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। सरकार आपकी जयपुर के अंदर है जो आपने बनाई है, गिरिराज मलिंगा जी को, रोहित बोरा को, खिलाड़ी बैरवा जी को कामयाब करके, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तीन तीन MLA आपने दिए जिले थे, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और मैं आह्वान करूंगा आपको कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली गवर्नमेंट का रवैया आपने देख लिया, जो सरमथरा से गंगापुर, धौलपुर से सरमथरा नैरो गेज से मीटर गेज और सरमथरा से वाया करौली गंगापुर रेल लाइन बेचती थी, कितना आराम हो जाता आपको कोई कल्पना नहीं कर सकता। विकास की मार्ग प्रशस्त होता, उद्योग धंधे लगते, लोग रोजगार मिलता, उससे वंचित कर दिया वसुंधरा जी ने, भारत सरकार ने, क्या कारण है? लिख के भेज दिया, हमें जरूरत तो नहीं इसकी। उसे सोच सकते हो कि कितनी नेगेटिव सोच इन लोगों की रही है। रिफाइनरी को बर्बाद कर दिया, पचपदरा की, आदिवासियों की रेल आ रही थी रतलाम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उसको बंद कर दिया। कोर्ट फैक्ट्री आ रही थी भीलवाड़ा के अंदर, उसका पता नहीं, टोंक जुड़ जाता नसीराबाद से माधोपुर तक, उसको बंद कर दिया। ये पता नहीं किन कारणों से ऐसी सोच रखते हैं। हम कोई काम बंद नहीं करते इनके वक्त की चालू किए हुए, इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा। चंबल से बांध लाने की बात की गई, उसका ही सरकार ख्याल रखेगी। अभी हमारी सरकार आपने बनाई है, ये चुनाव में आप अगर वोट दोगे मजबूती से, आपका MP जीतेगा तो हमारी सरकार और मजबूत होगी, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। हमारी सरकार की मजबूती के लिए आपका एक एक वोट हमारे काम आएगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। और दूसरा, जो हमने वादे किए थे उसमें हम कोई कमी रख नहीं रहे। अभी कर्जा माफ किया, अभी राहुल गांधी जी मेरे पूछ रहे थे कर्जा माफ हो गया, मैंने कहा कोऑपरेटिव बैंक का हो गया, भूमि विकास बैंक के हो गए हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकें जो है वो केंद्र की होती है। हमारी बातचीत चल रही है, आचार संहिता लागू हो गई चुनाव की, इस कारण से रुक गया मामला। चुनाव खत्म होते ही पहला काम ये करेंगे, 2 लाख रुपए कर्जे जो होंगे नेशनल बैंक के, वो कर्जे माफ करेंगे, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आपको जानकर खुशी होगी, मालूम है आपको पेंशन ने 500 की 750 कर दी, 750 की 1000 कर दी, पानी के बिल अपने माफ कर दिए, अब पानी निःशुल्क मिलेगा गाँव में, कोई बिल नहीं आएगा, इतना बड़ा फैसला हमारी सरकार ने आपके लिए किया है। इसी प्रकार बिजली की कोई दर नहीं बढ़ेगी 5 साल तक, 1 लाख कनेक्शन देंगे बिजली के कुओं पे, वो अलग काम चल रहा है। फ्री मेडिसिन दे रहे थे 600 मेडिसिन, अब हमने 3 मेडिसिन जो बहुत महंगी होती है, किडनी की बीमारी की, एक हार्ट की और एक कैंसर की, आपको खुशी होगी तीनों दवाएं हमने फ्री करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, ये हमने और निर्णय किया है। आर्थिक आधार पर भी आरक्षण का जो कानून बना है राजस्थान में लागू हो चुका है, वो मैं आपको निर्णय करना चाहता हूँ। इस प्रकार से सरकार बनने के बाद में राहुल जी ने घोषणा पत्र बनाया है, आप सबकी सलाह से बनाया देशवासियों की, अभी राहुल जी बताएंगे उसके बारे में आपको किस प्रकार से अत्यधिक कदम उठाए जा रहे हैं,
किसानों का अलग बजट बनेगा, देश के अंदर पहली बार आजादी के बाद में किसानों के बजट में बेस होगी। पार्लियामेंट के अंदर इतना बड़ा फैसला किया है, न्याय योजना लेके आए हैं, इसके बारे में ऑलरेडी खुद अभी आपको बताएंगे। मैं इतने निवेदन करना चाहूंगा, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण 6 तारीख को, और आपसे मेरा निवेदन है 3 दिन एमएलए आपने बनाए हैं, इसलिए आपके यहाँ का संजय जाटव उम्मीदवार बन पाया है। एक नौजवान है, लंबा उसका भविष्य होगा। एक बार आप कामयाब करोगे तो हमेशा चिंता रखिएगा, मुझे काम करके दिखाना है जिससे अगली बार मुझे सपोर्ट आपका मिल सके। इस भावना जो काम करता है वो ज्यादा काम कर पाता है। ये बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।